my name is Divang Parikh and I have been here from last 10 years. And after working as a student here, maybe 5 years, then I got the chance to become an instructor over here. Hi, this is Dr. Charlie Solanki. I am connected with this institute from 3 years. I started my journey as a student in 2015 and now I am assisting Madhya sir in Zumba fitness program. Hello, my name is Chandni and I am a college student too. मेरे डांस की जर्नी की शुरुआत 8 साल से हुई है और तब से ही मैं मलय सर के साथ हूँ। आई एम कल्पना पाटिल, हाउस वाइफ प्लस डांस इंस्ट्रक्टर। अगर मैं अपनी डांस की जर्नी की बात करूँ तो मैं 2011 से डांस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ। माय नेम इज पूजा रुपया एंड आई एम असिस्टिंग मलय सर इन अ डांस सेशन। मैं लास्ट 4 ईयर से इस क्लास से कनेक्ट हूँ। मैं राधा पटेल, हाउस वाइफ हूँ और मलय सर की पुरानी स्टूडेंट। हेलो, मेरा नाम धर्मेश है, मैं उड़ीसा से हूँ। माय नेम इज़ दर्शन केड़िया। मैंने डांस क्लास 2015 में ज्वाइन की थी और अभी मैं मलय सर के सपोर्ट से या और फैमिली के सपोर्ट से मैं अभी ये डांस क्लास में असिस्ट कर रहा हूँ। हेलो, माय नेम इज़ मयूरी शर्मा। मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। मैंने मेरा जो डांस का जर्नी है, मैं जब 6 ईयर्स की थी तब से ज्वाइन किया था। अब मैं 16 ईयर्स की हूँ। मुझे 10 ईयर्स हो गए डांस के साथ कोप अप करते हुए, मलय सर के साथ रहते हुए। मलय सर का सपोर्ट मेरे साथ बहुत रहा है। हेलो, मेरा नाम समिल जवर है और मैंने ये डांस क्लास 2010 में ज्वाइन किया था। डांस मैंने ज्वाइन किया है 2012 से। उससे पहले मैं एक जॉब करता था लूम्स में, जो 12-12 घंटे की ड्यूटी होती थी। फिर मुझे ये मलय सर मिले, फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया डांस। जिस कल्चर में मैं बॉर्न हुई हूँ उसमें डांस करना और सोचना वो इजी नहीं था, लेकिन ये अचीवमेंट के बाद उनका नज़रिया चेंज हुआ है और मुझे देख के वो खुद भी इंस्पायर होकर कुछ कर रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये भी एक अचीवमेंट से कम नहीं है। फर्स्ट मैंने 6 मंथ एज ए स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेनिंग ली एंड आफ्टर दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सर से कि मैं एज ए इंस्ट्रक्टर यहाँ पे वर्क कर सकूँ। मैं स्टार्टिंग से छोटे बच्चों के बैच में आती थी, छोटे बच्चों से बिगिनर्स से एडवांस। मुझे ये लाइफ के स्टेज में बहुत सारी टीचिंग मिली है। तो मैंने मेरे बेटी को ही देख के डांस शुरू किया कि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और मेरी डॉटर ने भी मुझे बोला कि मम्मी आप भी ज्वाइन करो, तो मैं और मेरी डॉटर अभी साथ में डांस करते हैं। देन आई ऑल्सो गॉट द चांस टू लर्न इन मुंबई अंडर द सामक दावर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मुंबई का एक जर्नी था जो कि मलय सर ने हमको दिखाया था वो रास्ता। आप जाओ वहाँ सीखो और एक्सपीरियंस लो सामक दावर इंटरनेशनल कोरियोग्राफर से। मेरे डांस के पैशन को देख के मलय सर ने मुझे बॉम्बे बॉलीवुड कोरियोग्राफर सामक सर के पास ट्रेनिंग में भेजा था। वहाँ जाके मैंने डिफरेंट डांस स्टाइल जैसे कि हिप हॉप, सालसा, सामक स्टाइल, जैज और सब सीखा है। जुम्बा इज फिटनेस विद फन और वी कैन से फिटनेस अचीव बाय हैविंग फन। The intention of Zumba is to achieve fitness and maintain fitness plus improving body strength, muscular strength, calorie burning, that too along with having fun. That is why Zumba fitness program is called Zumba Party, because people can burn calories with enjoyment. In this class we also teach Samak style, contemporary, Bollywood, jazz, hip hop, salsa and many more styles. मैंने 2006 से अभी तक 2019 तक मैंने बहुत सारे स्टाइल सीखे, जैसे हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, जैज, फ्री स्टाइल और जैसे बी बॉय भी सीखा हमने। इन आवर ज़ुम्बा बैचेस वी प्रोवाइड सो मेनी काइंड्स ऑफ फिटनेस एक्टिविटीज। वी आल्सो प्रोवाइड योगा एंड एरोबिक्स अलोंग विद ज़ुम्बा, प्लस वी डू सो मेनी काइंड ऑफ वर्कआउट। देयर आर मोर देन 100 टाइप ऑफ वर्कआउट। सो डांस क्लास में हमें ओनली डांस ही नहीं सिखाया जाता है, डांस क्लास में हमको डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। एज अ गर्ल फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है या कभी कभी सोसाइटी से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मैंने वो पर्सनली फेस किया है, बट जब मैं यहाँ क्लास से कनेक्ट हुई तो एक अलग सा मोटिवेशन, एक फैमिली का टाइप फील हुआ। सर से काफ़ी मोटिवेटिंग चीज़ें मिली, उन्होंने काफ़ी समझाया इस बारे में और लाइक फिटनेस के बारे में भी हमें सब बताया उन्होंने। गर्ल्स की हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हमें सब सीखने को मिली है। We have done so many fitness awareness programs like fitness for family. Our students have performed exercise workout with their family members and we have posted their videos on YouTube. सर हमको वो भी सिखाते हैं
कि डीआईडी जैसे रियलिटी शो में कैमरा को फेस कैसे करना होता है। मैंने यूट्यूब वीडियो शूट का भी एक्सपीरियंस किया है, जो पहले से हम देखते थे और बहुत ईजी लगता था, बट जब से किया तो फील हुआ कि ये इतना ईजी नहीं है, डिफिकल्ट होता है कैमरे को फेस करना। बट अभी आप देख रहे हो मैं फेस कर रही हूँ, ये सब हुआ पॉसिबल बिकॉज ऑफ मयूर सर, हर्ष एंड वाले सर की हेल्प से मैं आज कैमरे को फेस कर पा रही हूँ और ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मलय सर चिल्ड्रन को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एज अ फादर वो हमें सपोर्ट करते हैं एंड एज अ फादर हमें ट्रीट करते हैं। मलय सर का सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिला है, थैंक यू टू मलय सर एंड थैंक यू टू माय फैमिली। स्कूल इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट, वेडिंग इवेंट्स जो बिग सक्सेसफुल इवेंट रहे एंड उनमें हमने कोरियोग्राफी की है, एक अलग एक्सपीरियंस लिया, एक अलग लेवल की कोरियोग्राफी वहाँ पर होती है जो क्लास वर्क से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो वो एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आई। And I also had so many achievements, like I have performed in many award shows, also been part of movie The Gadha Shows, and also performed for the song promotion, had a movie, and also performed in musical video with Badshah. All Gujarat Dance Championship था mom category में, तो वहाँ मैं डांस किया था गीता कपूर के सामने, तो मैंने गीता माँ से ट्रॉफी लिया था, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। मलय सर का डेडिकेशन हमारे लिए बहुत सारा है, मैंने जी टीवी में ऑडिशन में सिलेक्ट हुए थे हम और परफॉर्म भी किया था, वो भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बहुत सारे स्टार कास्ट थे, उनके सामने हमें परफॉर्म करना था, वो हमारी लाइफ का मेमोरेबल इवेंट था जो आज हम याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी टीवी का एक्सपीरियंस तो जैसे सपना है, हमने सोचा भी नहीं था कि जी टीवी में जाएंगे, शाहरुख थे, दीपिका थे, अभिषेक बच्चन, तो उन लोगों के सामने डांस करने को मौका मिला तो वो बहुत बड़ी बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। प्रिंस गुप्ता सर जो डीआईडी फेम है, उन्होंने सूरत में एक गुजमा करके अवार्ड फंक्शन हुआ था तो उसमें मुझे सिलेक्ट किया था एज अ परफॉर्मर और उनकी टीम के साथ हमने परफॉर्म किया था। मैंने यहाँ से जो अचीव किया है लव रिस्पेक्ट एंड डांस की वजह से फैमिली का सपोर्ट, सबसे बड़ी चीज मैंने ये अचीव की है डांस क्लास से। व्हाइल वर्किंग हियर आई गॉट अ चांस टू अटेंड अ ज़ुम्बा इवेंट बाय इंडियन फिटनेस आइकन सुचेता पाल, इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, शी इज वेरी टैलेंटेड, शी इज वेरी पावरफुल एंड एनर्जेटिक, फ्रॉम वंडर शी इज कॉल्ड अ ज़ुम्बा फिटनेस डीवा। सर हमको बार्बी ले जाते ऑडिशन में एंड अमेजिया में बादशाह के साथ म्यूजिकल वीडियो भी किया हुआ है हमने। हमने अमेजिया थीम पार्क है उसका एड शूट किया था विद बादशाह। मुझे इम्प्रूवमेंट बहुत सारी चीज़ों में हुआ है, जैसे स्टेज फियर दूर हुआ है, कैमरा फियर दूर हुआ है, और जैसे अभी लेटेस्ट इंटर गुजरात स्कूल कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया। अभी का जो जर्नी है हमारा एज ए इंस्ट्रक्टर, हम स्कूल में जॉब करते, जो पहले हम थे एक लूम्स में जॉब करता था, आज मैं जो पोजीशन में हूँ डांस के वजह से हूँ और मलय सर के वजह से हूँ। सो जब मैंने ये क्लास ज्वाइन किया था सो इट वाज ओनली फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट, बट जैसे जैसे मैं आगे इस क्लास को कंटिन्यू करता गया फिर मुझे आइडिया किया, हाँ डांस का लिए एक या दो महीने की एक्टिविटी नहीं है, डांस के अंदर भी कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। सो लाइक वी कैन ऑल्सो परफॉर्म इन इवेंट शोज फॉर द कॉर्पोरेट शोज, मैनी अवार्ड शोज, आई ऑल्सो गॉट द चांस टू परफॉर्म ओवर देयर, सो वो भी एक जरिया है। आई वॉन्ट टू थैंक मलय सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप माई करियर इन ज़ुम्बा फिटनेस, ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द टीम मेम्बर्स, थैंक यू सो मच। मेरा मानना यही कि हाउसवाइफ है तो उसका काम तो रहता ही है, अपने खुद के लिए एक घंटा निकाल सकते हैं, और सब हस्बैंड को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी सपोर्ट करो अपनी वाइफ को डांस के लिए। थैंक यू। यू कैन आल्सो वॉच आवर ज़ुम्बा वीडियोस ऑन YouTube, यू कैन आल्सो सी आवर वीडियोस ऑन YouTube, और उसके लिए सर्च कीजिए मलय गांधी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और हमें अच्छे से फीडबैक दो। थैंक यू।